नौजवान बढ़ा करके मस्जिद जवानी में लेना चाहते देख लगा वो भी सही तो मसला नहीं इतना इंशाल्लाह करीब आएंगे उतना फायदा होगा. इमाम गजाली रहमतुल्लाह कौले अपना नहीं बता रहा, अहयाल उलूम की किताब है, एक दीन की मजलिस हजार नफिल पढ़ने से अफजल है. जो दीन की मजलिस है ना बार बार लगा रहे, हजार नफिल पढ़ने से अफजल है. एक दिन की मजलिस हजार जनाजे पढ़ने से अफजल, एक दिन की मजलिस हजार मरीजों की इयादत से अफजल. अगली गुजारिश वीडियो ना बनाइएगा थोड़ा, मेरा ना मैं ना मौलवी हूँ ना हाफिज हूँ, तो कोई इधर उधर जबान चली जाती है ना, तो अब जुनेद भाई तो चले गए, अब लोग मेरे पीछे पड़े कुछ निकाल, पहले उनका निकालते इंशाल्लाह बात गौर से सुनेंगे. लेकिन डॉक्टर अगर किसी को कह दे कैंसर है तो रुकता नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ जरा भूल ना जाऊँ कैंसर है, भूल जाओ जज साहब ने फांसी दे दी है तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ कहीं भूल ना जाऊँ फांसी हो गई. थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह करीब आएंगे, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रसूलिल करीम. कितने बजे जाना है तुमने? अच्छा ठीक है, उसके बाद फांसी. मेरे काबिले असल में क्या है कि जितना आराम से जाएंगे रमी करने, यहाँ जो बहुत अरसे से जा रहे हैं उतना आपको फायदा होगा इंशाल्लाह. हज में हुक्म है सकीना का, सकीन सुकून से काम करो. तो बहुत लोग जो 20-20 साल से आ रहे हैं ना, वो हज की डिमांड है सुकून से काम करने का, हर अमल को आराम. हम तो असर पड़ के जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल रोशनी आराम से वहाँ दुआएं मांगना. या तो अभी ये जो रमी है ना, रमी करने के बाद पहले तो जमरात है उस पर दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन यहाँ खड़े नहीं होने जब रश होता है तो दुआओं से भी हम महरूम हो जाएंगे. तो हज है सुकून का नाम, तो जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे दे इंशाल्लाह ताला. क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं जब मीना में जाओ तो खूब अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे आबा अजदाद का करते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा करो. तो जो अल्लाह का हुक्म है वो हम पूरा कर रहे हैं, या अल्लाह का जिक्र करो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुल्लसली रसूल करीम. काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे आप जमा हुए बात सुनने के लिए. इंसान मिट्टी का बना है, बार बार इसको पानी चाहिए. अगर इसने मिट्टी में से खैर निकालनी है पानी डालते रहो, सुबह शाम पानी डालते रहो खैर निकालेगा. अगर बारिश बंद हो जाए पानी बंद हो जाए तो मिट्टी शर निकालती है, सांप बिच्छू निकालते हैं. तो अगर इस पर रोज पानी नहीं पड़ेगा तो ये फिर, और इंसान के अल्लाह ने अंदर दोनों चीज़ें रखी हैं, या तो ये बने तो इतना ऊपर बन के निकल जाए कि फरिश्ते इसको सजदा करें, और बिगड़े तो इतना बिगड़ जाए कि अल्लाह ताला इसको कहें उलाई का कल आना बल हुम अदल, ये जानवर ही जानवर से भी बदतर हो सकता है. इंसान में दोनों सिफात हैं, जानवर से बदतर या फरिश्तों से भी आला, दोनों सिफात इसमें रखी हैं, दोनों सिफात इसके अंदर मौजूद हैं. अब इंसान को जानवर कौन चीज़ बनाती है, कौन सी चीज़ बनाती है, और जानवर इंसान को इंसानियत से ऊपर अब्दियत पे कौन ले जाती है, उसका बहुत आसान सी बात है. देखें दो गुजारिशात आपसे, आप माशाल्लाह मौलवी तारिकमी साहब का भी बयान हुआ होगा, बयान तो इंटरनेट पर भरे हुए, मौलवी अब्दुस्सत्तार साहब से भी आपसे बात कर रहे होंगे, और इनके सामने मेरी हैसियत ऐसी है जैसे ओपनर के सामने टेलेंडर की है ना, टेलेंडर को ऐसे ही भेज देते हैं कि जब ओपनर मौजूद नहीं जाओ तुम जाके चले जाओ, हमने ओपनर हमारे थक गए. तो मेरी ऐसा हैसियत इनके सामने टेलेंडर से भी नीचे. लेकिन क्या है कि याद दहानी जो है ना, किसी की बात भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खजर की बात से फ़ायदा होगा, हालांकि हज़रत खजर जो है नबी थे नहीं, इसमें इख्तलाफ है, और आलिम तो सबसे बड़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन खजर अलैहिस्सलाम से सीखने की नीयत थी, सीखने के लिए निकले थे, अल्लाह ने इतना फ़ायदा दे दिया कि उनके इल्म में वो चीज़ें नहीं थी जो अल्लाह ने हज़रत खजर को दी थी. तो बाज़ दफ़ा इंसान तलब से बात सुने, और सबसे बड़ी नीयत होनी चाहिए कि मैं अल्लाह को सुनने जा रहा हूँ. हमारे एक क्रिकेटर वकार यूनुस और एक हमारे तबलीगी पुराने साथी, तो हम पिछले 7-8 साल पुरानी बात है हज पे, तो वकार को उन्होंने कहा चलो मौली तारिकी भी साहब का बयान है चलो सुनते हैं. तो वकार ने कहा सईद भाई को भी ले लो. वो मेरे पास आया तो मैंने कहा वकार भाई मेरी किसी जगह जोहर में तालीम है, मैं तालीम ख़त्म करके सीधा वहीं आता हूँ, तुम पहुँचो मैं भी बयान में पहुँचता. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी तालीम असर में थी, मुझे गलत फहमी हुई, मैं कहा चलो मौली साहब के बयान में चलो. मैं पहुँचा तो वकार और ये साथी वापस आ रहे थे, तो मैं कहा वकार भाई खैरियत आप बयान नहीं सुना? तो साथी ने कहा कि सईद भाई मौली साहब का बयान नहीं किसी और का बयान है.
मैंने वकार भेज दिया मैं वकार भाई आप खालिक को सुनने गए थे मखलूक को सुनने गए तो वकार की आंखों से आंसू आ गया था आजकल हमारा मिजाज है मखलूक को सुनने का किसका बयान है कौन बयान कर रहा है खालिक को बहुत थोड़े लोग सुनते हैं और अल्लाह तबारक तआला ने क्या बशारत दी है ये थर्मामीटर है हमारा जैसे डॉक्टर को जाकर थर्मामीटर या आप पल्स अल्ट्रासाउंड कराते हैं एक्सरे कराते हैं जरा चेक करो मेरे अंदर गड़बड़ तो कोई नहीं अल्लाह ताला ने कुरान में एक अजीब बात बताई है जो मैंने अपने दुरुस्ती के लिए इस्तेमाल की है अल्लाह कुरान फरमाते फबशिर इबाद ए मेरे नबी मेरे उन बंदों को बशारत दे दीजिए किनको अल्लज़ीन यस्तमिउन अल-क़ौल जो अल्लाह की बात को गौर से सुनते हैं यानी कौन बोल रहा है मखलूक कौन है जुनेद साहब हैं सईद साहब हैं फला साहब हैं फला साहब नहीं मेरे उन बंदों को बशारत दीजिए जो अल्लाह को सुनते हैं गौर से और ध्यान से और अदब से तलब से कि जब अल्लाह की बात हो रही होती ना तो आसमान से हिदायत के फैसले उतरते हैं और वो तलब पे जितनी जिसमें तलब होती है अल्लाह ताला उतनी उसको हिदायत देते हैं तो सुनने वालों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे नबी बशारत दे दीजिए उन बंदों को जो अल्लाह की बात को गौर से सुनते हैं और इस पर बेहतरीन तरीके से उसकी उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं मखलूक नहीं कौन बात कर रही देखते अल्लाह की बात को सुनते हैं और इस पर बेहतरीन तरीके से अमल करते हैं ए मेरे नबी इनको बता दीजिए अकल वाले लोग हैं वे हिदायत के रस्ते पे हैं इनकी अकलें भी ठीक हैं ये अकल का थर्मामीटर है कि मैं अल्लाह की बात को सुनने जा रहा हूँ अल्लाह की बात हो रही चाहे कोई भी बात कर रहा है मैं अल्लाह की बात सुनने जा रहा हूँ ध्यान से सुनूंगा गौर से सुनूंगा और बेहतरीन तरीके से जो समझ आएगी अमल करने की कोशिश करूंगा जिनके अंदर ये दो क्वालिटीज हैं अल्लाह कह रहे हैं इनको बशारत दे दीजिए अकल भी ठीक है इनकी और ये हिदायत के रस्ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मैंने आपसे अर्ज किया माशाल्लाह बयान तो आप सुन दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ एक चीज अल्लाह ताला ने हमें हज पे बुलाया माशाल्लाह आपने देखा जब हज का एहराम बांधते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने कफन पहनाया कफन दो कपड़े अब अल्लाह ताला हमें चाहते हैं कि कफन पहनते हैं नफिल नफिल तो हम वैसे ही पढ़ते हैं सफर के तो आपने जैसे ही कफन पहना अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं कफन पहनते तो मैं मौत याद आया अभी हम हज पे अभी लोगों ने कफन पहना तो चंद लोगों ने मुझे सबसे पहले सवाल किया कि सईद भाई मीना में बूफे होगा या नहीं अल्लाह चाह रहे इसको मौत याद आ जाए इसको बूफे याद आता गाड़ी में एसी है या नहीं मकतब एसी वाला है या नहीं यानी कफन पहन के भी इसको मौत याद नहीं आ रही इतना शैतान ने मेहनत की हुई है इतनी मेहनत की है कि जनाजे पे भी जाता है तो ये फोनों पे बात कर रहा होता है कारोबार की बात कर रहा होता है कि इसको जनाजा भी नहीं याद दिलाता कि तू भी मरने वाला है तेरा भी जनाजे वाला है वो भी वहां कफन में मैंने कब्रिस्तान पे भी लोगों को कब्र दफन हो रही है और वहां कारोबार कर रहे हैं हमारा सबसे बड़ा मसला मौत भूल गया है मेरे प्यारे इतना बड़ा मसला है मौत भूल जाना जितने मर्जी बयान सुन लें अल्लाह फरमाते हैं जो अकल से काम नहीं लेता हम उसके दिल को ताला लगा देते हैं फिर उसको कोई हिदायत भी दे सकता है मैं अभी एक सेठ से मिला बड़े तो गए तो वो थोड़े उसके सवाल बहुत होते हैं जब माल आ जाए ना तो सवाल भी बढ़ जाते हैं जैसे माल बढ़ता है सवाल भी बढ़ जाते हैं माल आते हैं आदमी शैतान के बिल्कुल करीब हो जाता है ना जमरात के हम लोग सबसे करीब है ना एक नंबर जितने गरीब है वो जमरात से दूर है ना तो माल आते आते शैतान से कुर्बत तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा आपकी कोई बेटी है कहाँ है मैं कितने साल की क्या 11 साल की मैं कहा शादी की तैयारी कब से करेंगे कहते हैं सईद भाई अभी से कर रहा हूँ मैं कहा अभी तो 11 साल की है 20 साल की उन्होंने शादी हुई कहा सईद भाई अकल की थोड़ा सा अलामत है कि अभी से तैयारी शुरू कर दो और मैंने पूछा मैंने कहा कोई और उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टियाँ ले ली हैं बच्चों को बड़े फिर इंशाल्लाह के घर बनाने तो मैंने कहा आप इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं कसम खा के बताएं कि ऐसी तैयारी मौत की भी कर रहे हैं एकदम उनको सन्नाटा लग गया कि मैं जो टाइम ही नहीं है मौत की तैयारी करने मैं डिफेंस से मस्जिद से निकल रहा था एक साथी से मैंने कहा जनाजा हुआ चलें जनाजा पढ़ के एक किरात सवा मेरे सईद भाई मेरे पास कब्रिस्तान जाने का टाइम नहीं है मैं निकला हूँ जनाजा भी मतलब जनाजा पढ़ा दफन होने से असर में होना इससे दफन होने से पहले जिसने मुझे कहा कब्रिस्तान जाने का टाइम नहीं है बाहर निकला गाड़ी ने मारा और उससे पहले कब्रिस्तान में दफन हुआ हम भी कब्रिस्तान में दफन होने वाले हैं लेकिन इब्लीस कसम खा के आया था कि अगर ये मुसलमान भी हो गए ना तो अगली चीज मैं क्या लगाऊंगा इनको पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हिंदुस्तान में अफगानिस्तान में इंग्लिस्तान में उज्बेकिस्तान में तरिस्तान में लगा के इनको कब्रिस्तान ही भुला दूंगा
आज हमें एक एक नाम याद है जिस पर तान लगता है लेकिन शैतान ने कब्रिस्तान बुलाया। पहली चीज मेरे प्यारों ये जो कफन पहनाया अल्लाह ने, और अल्लाह ने कहा कि कंगी भी ना करो। कंगी आदमी शक्ल शीशा देखता है ना तो जरा अच्छी खूबसूरत शक्ल वो भी मौत बुला देती है। जेल शेल लगाया परफ्यूम ले वो भी मौत बुला देती है। हालांकि हम तो बदबू की मशीन है, दो तीन दिन परफ्यूम इस्तेमाल ना करें तो बीवी भी करीब नहीं आने दी, भाई बदबू आ रही है थोड़ा सा दूर हो जाओ। तो हम तो बदबू की मशीन है, हर सुराख से गंध निकलता है। लेकिन ये जो मौत भूले हुए ना, ये हमें बिल्कुल गलत रास्ते पे ले जा रहा है। मेरे प्यारो हम दुनिया में मरने के लिए आए हैं, जीने के लिए नहीं आए। जो आदमी यहाँ जीने की तैयारी करेगा, मैं 20 साल की डुबकी मार के आया हूँ, अल्लाह की कसम मैंने एक भी आदमी को जीते हुए नहीं देखा जो जीने की तैयारी कर रहा है। एक किसी फील्ड का, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे एक्टिंग का हो, इनकी हालतें देख के मैं इस तरह, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लाया, मुझे अल्लाह की जात लाई है, अल्लाह वालों ने मदद की है। लेकिन मैं मजबूरन आया हूं कि वहां कुछ भी नहीं था धोखे के अलावा। ये दुनिया सिर्फ धोखा है, ये कुछ भी नहीं है। ये माल की दौड़, माल, मलेरिया वो छोटी बीमारी इसका इलाज है, लेकिन मलेरिया का कोई इलाज नहीं है। मलेरिया जहां से भी आ रहा मलेरिया, मलेरिया तो कुछ बीमारी नहीं। मेरी उम्मत का एक ही फितना होगा, माल। आज उम्मत उस माल के चक्कर में मौत को भूल गई है। ये जो एहराम बांधा है, तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं हमने नियत तो हज की है लेकिन ये एहराम अल्लाह ने मौत तक बंधवाया है कि अब जाके मौत की तैयारी शुरू कर देना। मैं जहाज में बैठा, एक बहुत डिसेंट सा आदमी, मुझे पहचाना नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ मौत का होता क्या। मैंने उससे कहा सलाम अलैकुम, बड़े रूठ लिए वालेकुम सलाम। मैं कहा खैरियत से है, क्यों मुझे अंदर की प्रॉब्लम लग रहा थी। मैं कहा नहीं वैसे ही पूछा, खैरियत नहीं आप डॉक्टर हैं। मैंने डॉक्टर है। अच्छा अच्छा उसने तो मैंने थोड़ा सा ना, मैं कहा अभी जरा जहाज में बैठा जरा तक, थोड़ी देर जरा सेटल हुआ, जहाज उड़ा जरा बेल्ट वेल्ट हटी। मैं कहा थोड़ी सी अलग होगा यार, मैं बहुत टायर्ड हूँ, तुम लोग को कोई अकल नहीं किस वक्त बात करते हैं, मुझे थोड़ा सुकून। अच्छा ठीक। इतनी देर में वो खाना शाने रोस्टर्स ले, मैं खाना खाते होगा यार तुम्हें हर वक्त बात बात हूँ, खाना तो खाने दो। तो मैंने लो ये लगा कि ठीक है खाना खा लें। फिर जब खाना खा के सीट लेटाई, मैं कहा हजरत होगा बकवास की ना, मैं कप्तान को शिकायत करूंगा। बोले कहा भी मुझे मारेगा, मैं नहीं अपनी बोलूँगा। मैं भाई चुप हो गया। आधे घंटे बाद कोई बड़ा पॉकेट फड़ करके और जहाज इतना, तेरे हजरत को अल्लाह सुनाएगा, बकवास बंद कर जाओ, सो जाओ। नहीं सुना था एकदम ठीक, एकदम जान निकल, अल्लाह सुनाएगा, नहीं सुना था जाओ मरो जा। एकदम मौत आई अल्लाह याद है हमें भी, लेकिन जिस दिन असली मौत आएगी ना उस दिन बड़ा मुश्किल होगा अल्लाह को याद। अल्लाह से पहले हल्की ना, वो बैट्समैन जो ना हमें डराता है बाउंसर्स करके, हल्के डायरेक्ट गिल्ली नहीं उड़ाता, पहले डराता। तो अल्लाह भी मौत से पहले 8-10 झटके हल्के से मौत के देते हैं कि डर जा डर जा डर जा। तो पहली तो मेरी प्यारो वल्लाह यहां से जाके नियत करे मौत की तैयारी करनी, तो सारा कुछ घंटे एक घंटा निकाल लें, आधा घंटा निकाल लें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकलमंद शख्स सिर्फ वही, सिर्फ जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। और नादान है वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें बांधे। मैंने एक बात सुनी थी, मुझे बहुत फायदा हुआ, कि जो शख्स मरने की जिंदगी, मरने के बाद जो जिंदगी आ रही है उसको अपना गम और फिक्र बना ले, मरने के बाद जो खबर आ रही है, जो हशर 50,000 साल का एक दिन, पुल सरात, अल्लाह से मुलाकात, जन्नत जहन्नुम, इसको अपना गम और फिक्र बना ले। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसको दुनिया के हर गम और फिक्र से पाक कर देगा। इससे मुझे इतना फायदा आपको बता नहीं सकता। 20 साल मैंने दुनिया की डुबकी मारी, सर 24 घंटे कल की फिक्र, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, बच्ची बड़ी हो रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है, घर बदलना है, गाड़ी बदलना, फिक्र ही फिक्र। जो आदमी मरने के बाद की जिंदगी जो आने वाली है, जो असल है, जो इटर्नल है, जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन शैतान कसम खा के आया था, वो अपनी कसम पर पूरा हो रहा है कि हमें एहराम की हालत में भी मौत याद नहीं आती। इससे पहली जो एंटीबायोटिक है ना, इससे बड़ी एंटीबायोटिक है ही नहीं कोई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी लगने से, लोहे का जंग उतरता है रेगमाल से, सैंड पेपर से, दिलों का जंग किस से उतरता है, तिलावत कुरान से। इसकी कसरत से तिलावत करो। आजकल तिलावत तो कुरान की जगह किसने ली हुई है, व्हाट्सएप और फेसबुक, हर वक्त ऑनलाइन व्हाट्सएप, फोन, नमाज से पहले व्हाट्सएप, नमाज के बाद व्हाट्सएप। पहले लोग नमाज पे इस्तग़फ़ार करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, नमाज सही नहीं थी। आज लोग मिस कॉल और व्हाट्सएप पे इस्तग़फ़ार करते हैं, 3 मिस हो गए, 6 मिस हो गए। मेरे प्यारों कुरान की तिलावत की जगह इसने ले ली।
نمبر دو فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا زنگ اترتا ہے, دل کا زنگ اترتا ہے. پہلی گزارش ہے التجا اللہ کے واسطے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی میں ابن کثیر کی ایک روایت پڑھ کے آ رہا ہوں, کہ میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا, صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا ڈر دیں. ہمارے مولوی عبد الستار صاحب نے اتنے نکاح پڑھائے, لیکن میرا ابھی تک پڑھانے کا ان کا ذہن نہیں بنا کہ میرا بھی پڑھوا لیں. پتا نہیں کتنے ہزار ہو گئے. تو نکاح بھی انہوں نے پڑھائے ہیں, میری ابھی بھانجی کا نکاح بھی انہوں نے پڑھایا, اس کو بھی بھانجی کو بھانجے داماد کو ڈرایا, اللہ سے ڈرو, اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ. نکاح بھی اللہ کہہ رہے مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو. یہ جو اللہ کا ڈر نکلا ہے نا میرے پیاروں, یہ فرمایا حدیث میں تمام فساد کی جڑ ہے اللہ کا ڈر نکلنا اور دنیا کی محبت کا آنا, اور تمام خیروں کی جڑ ہے تقوا. یہ ایک وہ چیز ہے جو انسان کے اندر آ جائے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو صرف بتانے آئی, ابن کثیر لمبی روایت ہے, صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آج سے بہت سال پہلے سن 644 ہجری میں جب سلطنت عباسی جو ختم ہوئی ہے, تاتاریوں نے جا کے پھر ظلم کیا ہے, 654 میں کعبے کا غلاف پھٹا تھا اور کعبہ ننگا ہو گیا تھا. یہ ایک علامت ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت پکی باتیں لکھنے والے ہیں, ہوائی باتیں نہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ کعبے کا غلاف پھٹ جانا اور کعبے کا ظاہر ہو جانا بہت خطرے کی علامت ہے. اور آپ کو پتا ہے عرفہ سے ایک دن پہلے کعبہ پھٹا اور دیوان نظائی, میرے پاس وہ روایت بھی موجود ہے. میں آپ کو اور ڈیٹیل بتانا نہیں چاہتا کیونکہ بہت خطرناک یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام یاد رکھیے گا, اچانک کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز تدریجن کرتے ہیں. میں اس رستے میں آیا آہستہ آہستہ, اللہ کا نظام ڈائریکٹ نہیں, ہوائی جہاز اگر ڈائریکٹ نیچے کریش کر جاتا, آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ خیر بھی آہستہ آہستہ, اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی آرام آرام سے. فرعون کو جب اللہ نے عذاب بھیجا میجر, اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب, جوؤں کا عذاب, ٹڈیوں کا عذاب, جیسے آج کل مسلمان نہیں کہتے کوئی مصیبت آئی جی کسی نے جادو کر دیا, جادو ہو گیا جی, اپنے اعمال نہیں دیکھتا, نماز نہیں پڑھتا, فجر میں سو رہا ہوتا ہے. 98% مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑھتے, میں پورے پاکستان پھر کے آپ کو بتا رہا ہوں, 98% مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ فجر میں ایکسٹرا ایک ورڈ بتاتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, میری نماز تیری نیند سے بہتر ہے. 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی مؤذن کی آواز سن کے مسجد نہ جائے بغیر عذر کے, عذر کیا ہے, بہت بیمار ہے چل بھی نہیں سکتا, یا کوئی ڈر ہے کہ خوف ہے نکلنے کا, اس نے تین بڑے گناہ کیے ہیں, سراسر ظلم کی ہے, اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا, سراسر نفاق ہے اور کفر ہے. تین اعمال بتائے جو آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے. تو میرے پیارو یہ علامتیں جو آج آ رہی ہیں یہ خطرناک ہیں, اور جو حاجی بھی جو حج کر رہا ہے وہ حاجی کی علامت نہیں ہے. آپ اگر احرام کی حالت دیکھیں حاجی پہ, میں تو بہت جگہوں پہ گیا ہوں, گلا بھی بند ہو گیا, تو میں نے کہیں بھی جا کے حاجی کو احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے نہیں سنا. حج کرنا بہت آسان, حاجی بننا بہت مشکل ہے. نماز پڑھنا آسان, نمازی بننا مشکل ہے. روزہ رکھنا آسان, روزے دار بننا مشکل ہے. دین کی باتیں کرنا آسان, دیندار بننا مشکل ہے. آج دین کی نالج اتنی ہے سوچ بھی نہیں سکتے. اس موبائل میں میرے پتہ نہیں کتنی ہزار کتابیں ہیں, لیکن جو کتابوں کے اندر ہے وہ ایک آیت بھی میرے جسم میں ہے یا نہیں. تو پہلی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ موت کی تیاری آج سے نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ کے ساتھ تعلق تھا, آتا ہے کہ جب آپ سوتے تھے تو آپ کی دل آنکھیں سوتے تھے دل جاگتا تھا, آپ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے. دن میں آپ مجمع میں تیرتے تھے دن میں, یہ حکم ہے اللہ, ان لک فی النہر سبحن طویلا, دن میں تیرے مجمع, بس پورے اسم ربی کا وہ تبتل الیہ تبتیلا, رات میں الگ ہو کے اللہ کی یاد میں. پھر بھی آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے اتنا اللہ سے کنیکشن کہ کسی کا بھی نہیں تھا, پھر بھی آپ بیت الخل جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے وہ فرانک پڑھتے تھے کہ اللہ اس گھڑی میں تیرا ذکر نہیں کر سکا, اس کے لیے مجھے معاف کر دینا قضاء حاجت میں, اتنا اللہ سے تعلق. اس کے باوجود اللہ قرآن میں اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے میرے نبی آپ بھی ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ نبی کا حکم ہے. کیوں ہے یہ حکم میری آپ کے لیے؟ کیونکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں تم صحابہ یہ آپ سے دعویٰ کرتے ہیں, یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ, یہ دعویٰ
करें अल्लाह समाप्त करते हैं इनसे कह दीजिए फत्ते बेउनी ये आपकी 24 आवर्स की कॉपी करें जब ये आपकी 24 आवर्स की कॉपी करेंगे तो मैं क्या करूंगा युहिब्बुकुम अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत भी करूंगा व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम इनके सारे गुनाह माफ कर दूंगा हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का हुक्म है मेरे प्यारो अल्लाह अपने नबी कह रहे हैं सुबह और शाम मैंने अपने क्रिकेट फील्ड से जज किया है कि इंसान मिट्टी का बना है मिट्टी को रोजाना पानी चाहिए हमारी क्रिकेट ग्राउंड में सुबह फजर के बाद और असर के बाद ठंडी धूप में ग्राउंड को दो दफा पानी मिलता था ये दो दफा ग्राउंड को पानी देने ग्राउंड बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहता था अल्लाह भी हमसे डिमांड कर रहे हैं तुम थोड़ी देर फजर के बाद और असर के बाद अल्लाह का जिक्र किया करो बाकी 24 आवर्स टाइम मैनेजमेंट ये अल्लाह अपने जिम्मे ले लेंगे सिर्फ दो दफा अल्लाह को याद किया करो हम यहां से जाके नियर वरना फायदा नहीं होगा आपको किसी ने एंटीबायोटिक दी कि भाई आपने 20 दिन खानी है रोजाना दो तो आप एक खा के कहेंगे आराम तो मिलेगा लेकिन बीमारी फिर बढ़ जाएगी तो ये एंटीबायोटिक है सुबह शाम की कि हम अपने फजर में बिस्तर को छोड़ें असर में अपने कारोबार को छोड़ें या अपनी मुलाजमत को छोड़ें और थोड़ी देर 10-15 मिनट रोजाना अल्लाह को मौत को जन्नत को जहन्नम को सुन लें ताकि एंटीबायोटिक जाती रहे हमारे 24 घंटे ठीक रहे इसकी नियत करें नंबर टू मेरे प्यारो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में फरमाया है हमें इस्लाम फितरी दीन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है फितरत इस्लाम मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने बड़े हैं मैंने पूरी कोशिश की उनको फितरत इस्लाम पे रखूंगा मैं अभी शेख सलाउल बुदैर या मदीने के बहुत मुत्तकी आदमी हैं बहुत बड़े काजी हैं सारी दुनिया इनकी दीवानी है अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इन्होंने मुझे दावत दी असर रमजान में अफ्तारी में मैंने इनके साथ बैठा बहुत इन्होंने मुझे दुआएं दी तो मैंने उनको कहा जी मैं तबलीग के काम में लग गया हूँ पहले मैंने उनसे कहा मेरा तारुफ जरूर कराना मैं कौन सी दुनिया से आ रहा हूँ ताकि ये हमारे काम को जरा इनका सीना और खुले इतना खुश हुए इतनी मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लेके गया मैं कहीं भी अपने बच्चों को वहां नहीं ले जाता जहां मेरा प्रोटोकॉल होता है मैं कसम खाने को तैयार हूँ मुझे प्रोटोकॉल से नफरत है ये मैं अपने अंदर में बात लोगों में बताता नहीं आपको बता रहा हूँ ये जो हमारे अंदर मर्ज है ना हमारे अंदर अल्लाह ने नफ्स भी रखा है रूह भी रखी है हमें हुक्म है रूह बनाओ नफ्स की तीन हालतें होती हैं अमारा लवामा मुतमईना मैं दो हालतों में अभी भी हूँ अब अमारा लवामा में 20 साल गुजारे अभी बहुत थोड़ा नफ्स मुतमईन हुआ है मेरा नफ्स किसी मोबाइल पे मुतमईन नहीं होता ये जालिमों ने एक एक कीड़ा छोड़ा है एक एक मच्छर वो कभी आईफोन का मच्छर आता है अभी काट के जाता है नया मॉडल आ रहा है अब वो काटता रहता है जब तक वो जेब में ना फिर एक नई लेटेस्ट सिविक और करोड़ा का मच्छर आता है नया मॉडल आ रहा है वो मच्छर काट के चला जाता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया की मिसाल सहरा की तरह दूर से पानी नजर आता है करीब जाते पानी गायब हो जाता है मैंने भी बहुत प्रॉपर्टियां खरीदी हैं हर 2 साल पर घर बदला है कि कहीं ये मच्छर जरा सुकून दे दे लेकिन ये जालिम मच्छर बढ़ता गया गाड़ियां हर 6 महीने बाद बदली हैं हर चीज बदली एक चीज नहीं बदल सका बीवी जो मजबूरी थी वो क्योंकि फैशन नहीं है वो भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका इतना डरा दिया गया कि डर ही गया फिर हमारे बुजुर्ग जो है ये हमसे भी ज्यादा डरते हैं ये तो कहते हैं बयान भी बात में बयान भी ना करना कथी उस्मानी साहब से मैंने कहा मैंने कहा मुफ्ती साहब आपके बयान सुने निकाह पे दिन चाह दोबारा निकाह करूं तो कहा आ जाओ कर देते हैं मैं कहा हजरत पहले आप करें ताकि हमें कोई हुज्जत मिले हजरत नहीं के तो कहा बेटा मेरे चक्कर में तो कवार ही रहेगा हजरत अब आप इतने खोलते ना हमारा क्या तो हर चीज चेंज करके देखी और उन लोगों को देखा जो उस पर डूबे हुए चेंजिंग में लेकिन वल्लाह क्यों कि ये नफ्स की खुराक है मैं आपसे सिर्फ ये आखिरी बात करना चाहता हूँ कि देखो नफ्स की शरारतें हैं मैं इतना हैरान हुआ भी मुफ्ती नजीब से कह रहा था कि अल्लाह के रसूल ससम क्या हस्ती थे ये बुखारी की रवायत है आप नबी झूठ नहीं बोलते नबी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते नबी बिल्कुल प्योर होते हैं बिल्कुल एक नंबर लोग और अल्लाह जैसा चाहते वैसे होते और हजरत मोहम्मद तो अंबिया के भी सरदार थे खातिमुल नबीयीन थे और आखिरी नबी थे आपको 6 फजीलतें बाकी नबियों पर दी आपकी कैफियत क्या थी कि जिसने मुझे यूनस से बेहतर कहा उसने गलत कहा आप तो नबी अल्लाह ने आपको कहा हमने फजीलत दी है बाजे नबियों को बाजों पे बाजे रसूलों को बाजों पे आपके अंदर की कैफियत क्या थी कि जिसने मुझे यूनस से बेहतर कहा उसने गलत कहा अबू बकर सिद्दीक आए उनके वालिद को लेके कि यार उसने मैं अपने वालिद को मिला लूं आपने कहा अबू बकर हमें चाहिए था इनके पास जाए इतने अखलाक से कहा
کہ ابو بکر صدیق کے والد ابو کہافہ وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے پیاروں نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ, تو آپ کو چند صحابہ نے سورج کا سایہ کیا کہ آپ کو سورج نہ ہو, آپ نے ہٹا دیا کہ میں تم میں سے الگ پروٹوکول نہیں چاہتا, میں تم جیسا ہی لگنا چاہتا ہوں. صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا بھوک سے, آپ نے قمیض اٹھا کے دکھایا کہ تمہارے نبی نے دو پتھر باندھے ہوئے. آج مجھے جب لوگ لے جاتے ہیں, لوگ لے جانے جاتے ہیں, تو بیچارے میرے دوست ایک کھانا کھاتے ہیں, مجھے آٹھ آٹھ کھانے کھلاتے ہیں, حضرت آئے ہیں حضرت آئے ہیں, یہ حضرت حضرت حضرت. یہ نفس کی بڑی ظالم خوراک ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے یہ روحانی خوراک لے رہے ہیں, میں جو ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ نفسانی خوراک ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹھتے تھے مجمع میں, کوئی پہچان نہیں سکتا تھا نبی کون ہے. آپ دو کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے, ابو بکر صدیق کے ساتھ, تو میں نہیں پہچان سکے تمہیں نبی کون ہے. اور میرا جیسا حضرت 50,000 حضرت آ رہے, حضرت الگ کمرہ الگ سیکشن الگ کھانا الگ دسترخوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمومیت کو لازم پکڑ لو. وقال اننی من المسلمین, عام مجمع میں رہو عام کی طرح بالکل. میں آپ کو نفس کی جدا بتا رہا ہوں. اکرام سے نفس بگڑتا ہے, اکرام سے, اور بے اکرامی سے روح بنتی ہے. آج ہم جو محنت کر رہے ہیں دیندار بھی میتنا, اس سے نفس بن رہا ہے نفس. حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ کا قول مجھے تقی عثمانی صاحب نے بتایا کہ حضرت ثانی صاحب فرماتے تھے کہ جو چاہتا ہے اپنی نفس کی اصلاح کرے, آس پاس ایسے لوگ بٹھا لے جو روزانہ اس کے نفس کو رگڑے. یہ واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے نفس, میں اس فیلڈ سے آ رہا ہوں, نفس کی شرارتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ میں علم کا شہر, علم علی اس کا دروازہ. حضرت عمر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان رستہ بدلتا ہے. پانچ باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اے علی مجھے کچھ نصیحت کر, میں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. پانچ باتیں کی غور سے سنیے گا. ہم چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں, سب چاہتے ہیں نا, کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت علی کا قول ہے اے عمر کبھی بھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا. پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے اور روح بیچاری کمزور ہوتی ہے, اور روزہ رکھنے سے روح بنتی ہے نفس کمزور ہوتا ہے. ابھی ہمارا نفس غالب روح پہ, نفس ہاتھی بنا ہے, روح چھوا ہے, جہاں نفس کہتا ہے. اب روح صبح اٹھنی چاہیے فجر میں, 6 بجے فجر میں, 5 منٹ دور مسجد نہیں جاتا لیکن 17 گھنٹے کی فلائٹ لے کے امریکہ 3 بجے چلا جاتا. یہ کیوں؟ ہم ایک مسجد میں گھر گئے گشت کرنے, ایک گھر میں, وہاں بچے تھے, مجھے دیکھ کے پہچان گئے, اندر لے آئے. ایک بزرگ تھے 70 سال عمر کے, تو مجھ سے کہتے سعید بھائی ہم ان کو روزانہ, میں کہا یہ مسجد کیوں نہیں لاتے, ان کو دیکھا نہیں. کہا سعید بھائی روزانہ دعوت دیتے, کبھی گھٹنے میں درد نکال لیتے, کبھی پیٹ میں, کبھی بلڈ پریشر, کبھی شوگر, کبھی کچھ, آتے ہی نہیں. میں کہا ایسا کرنا, جب یہ بہانہ ایسے کرے نا, کل ایسا کرنا تمہارا گھر نا باہر کوئی نا 2-4 لڑکیاں لے آنا, اور دیکھنا میں تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں. یہ جو کہہ رہے نا اٹھا نہیں جاتا اور ہلا نہیں جاتا, تو 2-3 لڑکیاں لانا اور ان کے کمرے کے باہر کوئی نہ کھولنا دروازہ, اور لڑکیوں سے کہنا کھٹکھٹا کے ہے کوئی جو دروازہ کھول دے, اور جو لڑکیوں سے کہنا آواز ذرا لچھے دار کر کے ذرا آواز دیں. تو 3 لڑکیاں سوائیں کوئی ہے کوئی کھولنے والا, ٹک ٹک ٹک, اور وہ بزرگ ایسا دوڑ کے گئے جیسے ٹربل لگ گیا. یہ کیا وجہ ہے کہ لڑکیوں کی آواز سن کے بزرگ میں ایک دم طاقت آ گئی؟ یہ نفس اور روح کی میچ چل رہا ہے. ہم نفس کو خوراک دے رہے ہیں. پراپرٹی کی لائن ہے, ڈی ایچ اے کی لائن ہے, اور یہ بیریا ٹاؤن کی لائن ہے, اکثر 70+ لائن لگا کے گھر 6-6 گھنٹے, لیکن مسجد جانے کو تیار نہیں. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ نفس کو خوراک دے رہے ہیں, روح کو مار رہے ہیں. روح بنتی ہے روزہ رکھنے سے. کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ آپ کو ایک اور بات, ایک سوال کروں, مولوی عبد الستار صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ بھی لینا کہ اللہ کے نبی نے مسواک چھوڑی ہے تاکہ مسواک فرض نہ ہو جائے, آپ نے تراویح بھی چھوڑی ہے کہ تراویح فرض کا درجہ نہ ہو جائے, لیکن آپ سب سے سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بوفے کھایا ہو؟ بوفے چھوڑ دیں, 2 سالن جمع کیوں؟ علی کبھی اور پیٹ آدمی کب بھرتا ہے؟ جب بوفے لگاؤ. ایک ڈش سے آدمی پیٹ نہیں بھرتا. کدو بنا ہے دیسی گھی میں کھاؤں گا, 2 روٹی بعد بند, کدو اور دل نہیں کر, کیونکہ کدو نہیں کھا سکتا.
अगर उसने कहा हजरत एक मिनट निहारी ले आओ दो रोटी निहारी भी हो और मैं खुद लाहौर पंजाब से हूँ पंजाब तो माशाल्लाह लाहौर लाहौर और ले आ जितना मर्जी ले आ बस लाहौर है ना ऐसा ही है लाहौर कराची वाले कहते हैं आ माल आ आ ऐन निकाल आ माल आ जा जितना हासिल आ माल इधर से बैंक से भी आ जा सूद से आ जा बस माल आ जा कभी भी पेट भर के उम्र खाना ना खाना अगर नबी के साथ जन्नत में जाना है कसम खा रहा हूं मैं स्पोर्ट्समैन हूं ये दो सालन जमा करना ये कैंसर और तमाम बीमारियों की वजह है हार्ट ब्लॉकेज कोई डॉक्टर बैठा है मैंने ये अमेरिकन डॉक्टर से पूछा है कि सारी बीमारियों का वजह अटैक अटैच बाथरूम आजकल तो अटैच बाथरूम है ना तो आने भाई अंदर अंदर वाला भी परेशान बाहर वाला भी परेशान दौड़ 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 चल रही अंदर अटैक बाथरूम मुझे अमेरिकन डॉक्टर ने कहा ये जुल्म अटैच बाथरूम तुम एशियन से हमारे पास आए हमारे एक बाथरूम होता था उसमें एक दफा जाते थे मैं कहा एक दफा मैं कहा हमारे यहाँ तो हर नमाज से पहले हर नमाज के बाद जाते हैं बल्कि मुसल्ले पे दो मिनट बाथरूम में 20 घंटे आराम से ईमेल फीमेल जरा बाथरूम में बैठ के चेक करें आराम से ईमेल चेक करें बाथरूम में एहतमाम से एक मैं कहीं गया हमारी महरम मस्तूरात तो मैंने देखा वो नमाज पढ़नी थी महरम ऐसे टक टक T20 नमाज पढ़ के गई तो एक मसल्ले पे बैठी 5 मिनट बाथरूम में निकली 15 मिनट बाद फिर दूसरी तरफ 5 मिनट फिर पढ़ मैं क्या ऐसा करता हूँ WC बाहर लगा देता हूँ मसल्ला अंदर रख देता ताकि तुम अंदर थोड़ा बैठो उल्टा निजाम पेट भर के खाना खाना मैंने US के बड़े डॉक्टरों से मुलाकात की कि ये सारी बीमारियों की वजह हजरत तुम्हारी दाम जमाने में इस्लाम यूं जा रहा था रॉकेट की तरफ फैल रहा आपके दस्तरखान पे 1000-1500 लोग बैठे थे कभी 2 सालन आपके दस्तरखान पे जमा नहीं देखा आपके बेटे ने आपके लिए खाना गोश्त बनाया आपको इतना गुस्सा आया गोश्त देगा हटाया कि क्या कर रहे हैं बाबा जान कही तू क्या कर रहा जुर्म का क्या हुआ का खाना का 2 सालन का भजन गोश्त है का नहीं चर्बी साथ लगी है 2 सालन तेरे बाप ने 2 सालन इकट्ठे कभी नहीं खाए तो मैं आपको नफ्सी खुराक बता रहा हूं ये मैं भी आदि था भूखों का मैंने कहा आज ही 10 से 1 ले मैं कह रहा हूं 9 पे आ जाए 8 पे आ जाए आप देखना वरना ये पेट भरेंगे ना आपको मुल्तजम पे भी रोना नहीं आएगा आपको सजदे में भी शहरत होगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा नमाज इंसान को फिरदौस तक पहुंचाती है कद अफलहुल मोमिनून मोमिनून फिरदौस में पहुंच गए पा गए फला ये कौन है 7 सिफात बताई आगे क्या कहा अल्लज़ीन यरिसुनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून ये 7 सिफात में पहली नमाज है खुशू खुजू आखिरी नमाज की हिफाजत बाकी 5 बातें बीच में दोनों सिरों में नमाज है फरमाया नमाज के लिए पेट को और पेट को हल्का करो हमारी नमाज क्या है हमारे तो तबलीग में जिसका जितना ज्यादा पेट है उतना बुजुर्ग है वो मैंने एक साथी से कहा इतना पेट क्यों निकाला कहा हजरत लंबी नमाज के लिए हाथ थक जाता है तो पेट के वजह से सपोर्ट मिल जाती है हाथ रखने उससे अपना जवाब निकाल सफे 10 की जगह 5 बन रहे क्यों तो दोनों पेट वाले खड़े एक जगह सब सीधी कर रहे थे हम किसी कराची में जोड़ में थे तो एक आदमी है सब तो मैंने कहा भाई पेट से सब सीधी नहीं होगी पैर देखो पेट सबके आगे पीछे तो भाई ये कम खाना हमने कम को इंग्लिश कर दिया कम खाना कम कम नहीं कम खाना उर्दू वाला है एक डिश वल्ला आप आदत डाल के देखें करके देखें अभी मैं इंग्लैंड गया मेरे साला वहीं है पूरा महीना रमजान में उसके ऑफिस के जितने ईसाई लोग थे सबने रोजे रखे रमजान के पूरे पूरे रमजान के रोजे US गया वहां की साइंस ने प्रूव किया है सबसे अच्छा खाना 5-2 ए वीक में 5 दिन खाना खाओ 2 दिन रोजा रखो अभी मैं इंडियन साइंटिस्ट से मिला उनका साल में 30 दिन भूखा रहने से इंसान की बीमारियां खत्म होती रोजा और रोजे से क्या होता है तकवा आता है कुरान ने कहा और तकवे से क्या आता है वो मैं तकिल्ला अगर तकवा आ गया या जल्लाहु मखरजा अल्लाह सारी मुश्किलों से खुद निकालेंगे और यज़ुक में नहीं सुलाया था सिर्फ रोजी वहां से लेंगे जहां से गुमान भी नहीं होता मेरे प्यारों आपको एक बात बताऊं आपसे सवाल है शादी में सबसे ज्यादा इकराम किसका होता है भाई दूल्हा दुल्हन का पक्की बात है एमी मारो और शादी में अभी हमारी भांजी की शादी थी दुल्हन के मुंह में औरतें खाना डाल रही थी एक नवाला हमारे मुंह से एक नवाला हमारे एक और दूल्हा जो था हमारा दामाद उसको भी सब खाने एक खाना तो बैठ लो खाना तुम्हारे पास आएगा
तुम्हें बारातियों की तरह लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा कुरान और हदीस का मफहूम जो बुजुर्गों से सुना है कि जब तक एक अल्लाह कहने वाला इस दुनिया में जिंदा है अल्लाह कयामत को नहीं लाएंगे सारा रिस्क जितना दुनिया खा रही है वो अल्लाह अल्लाह कहने वालों के से यानी ये मुसलमान मर्द और औरतें कायनात का दूल्हा दुल्हन है अल्लाह ने कहा रोजी तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा सारे फल तुम्हारे पास सारी दुनिया तुम्हें टैक्स देगी तुम बस दूल्हा दुल्हन भले रहना अगर तुमने दूल्हा दुल्हन छोड़ दिया बाराती बन गए फिर तुम्हें भी लाइनों में लगना पड़ेगा बारातियों की तरह कभी तिक्का मिलेगा कभी धक्का मिलेगा कभी तिक्का कभी धक्का कभी दुबई लाइन में लगोगे कभी चाइना जाओगे कभी जापान अल्लाह पाल रहे थे हमें दूल्हा दुल्हन की तरह हम बारातियों की तरह पलने के चक्कर में ए उमर कभी पेट भर के खाना ना खाना नंबर एक सबसे गंदा बर्तन जो भरते हो अल्लाह के नबी ने कहा वो पेट का बर्तन है आयशा रिता ने फरमाया मैं अरबों के पास गया तो उन्होंने माशाल्लाह डिशे खूब खोली थी तो मैंने कहा तुम हमें बिद्दती कहते हो बिद्दा 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 तुम्हें पता सबसे बड़ी बिद्दा हजरत आयशा से फरमाती है सबसे पहली बिद्दा मेरे नबी के बाद जाने के जो शुरू हुई वो पेट भर के खाना शुरू हुई एक साबे डिकार मार दिया हमारी मस्जिद तो हम डिकारों से भरी होती एक डिकार मारा अल्लाह के नबी इतना नाराज हुए पूरी जिंदगी उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया मैं एक खिलाड़ी क्रिस केन्स बहुत बड़ा खिलाड़ी था न्यूजीलैंड का उसने मेरी दावत किया शेरेटन में कि मुझे थोड़ा आके इस्लाम सुनना है तुमसे मैं गया तो वो खाना खा रहा था चाइनीज इतना खाना खाया उसने चाइनीज मैंने कहा तुम खाओ मैं बैठता हूँ मैं बैठा फिर मैं ऊपर ले गया उसको वहां फिश हाउस में वहां फिश खाई खूब उसने फिश खाई फिर उसके बाद मैंने कहा स्टेक भी खाया मुझे वहां रिवायत याद आई कि मोमिन एक हाथ में खाता है और काफिर सात हाथ में खाता है जितना इंसान ईमान में बढ़ेगा उसका भूख खाना दो चीजें कम होंगी नींद और खाना और आजकल तबलीग वाले पता क्या कहते हैं यार तबलीग में चिल्ला लगा जो भूख लगी है वो कभी लगी नहीं ये चिल्ला नहीं है भाई ये धोखा है चिल्ले का अल्लाह मेरी शख्सियत को इस्तेमाल कर रहे हैं सही दरबार लोग मजमा जमा होता है इससे दलील नहीं है मैं हिदायत पे हूं मैं तो चिल्ला लगाता हूं मुनाफिकीन ने कताल किया अल्लाह के नबी के साथ मिलके अल्लाह के नबी मुनाफिक है तो चिल्ला लगाना है हिदायत की दलील नहीं है जिस आदमी को चिल्ले में भूख रही है चिल्ला नहीं है जिस आदमी को चिल्ले में नींद आ रही है चिल्ला नहीं है अल्लाह के नबी को जब दावत का काम मिला तो गए घर में हजरत खदीजा से क्या कहा खदीजा बिस्तर लपेटे तेरे नबी के आराम के दिन गए मैं चिल्ले में जाता हूँ ना तश्कील करा तो मरी जरा आराम से जरा और क्या कहता हूँ बिस्तर खोल दो मेरे आराम के दिन शुरू डबल रोटी अंडे बंद बीवी के किलकिल बंद तंग करना बंद बीवी शुरू में तो होती है बड़ी प्यारी पेनाडोल वो लगती है बारबी डॉल फिर बीवी डॉल आइन में वो पेनाडोल बन जाती है सो जा सर में दर्द हो रही है पेनाडोल बन गया आहिस्ता आहिस्ता फिर लेकिन वो हमारी आईना है जैसे हम वैसे हमारी बीवी इससे मेरे प्यारों पहली चीज कौन कौन नियत करता अपने खाने को सादा करेंगे ईमान की अलामत सादगी बयान अच्छा करना या बहुत नॉलेज ये ईमान की अलामत नहीं है ईमान की अलामत है सादा खाना नंबर दो ए उमर अपने कपड़ों पे पैबंद लगाते रहना मैं पंजाब से हूं और हमारे हजरत बताएंगे जो कलफ के कपड़े पहनते हैं इनकी तबीयत में अकड़ आती है जो बगैर इस्ती के कपड़े पहनते हैं इनकी तबीयत में तवाजो आती है हमारे एक बुजुर्ग है मौलाना सैयद खान साहब मैंने अरबों से सुना एक दफा उनकी बेटी ने मेरी बीवी को बताया कि जब स्त्री सऊदी अरब में आई तो मैंने अपने बाप के कपड़े इस्त्री किए अब्बा जान ने देखा इतना गुस्से बाल्टी में कपड़े डाले चुड़मुड़ करके लटका दिए कहा मेरे नबी ने कभी कपड़ों की इस्त्री नहीं की मैं भी खिलाफ सुन्नत कपड़े नहीं पहनूं वो फरमाते थे हदीस नहीं है वो कहते थे मेरी नजर में इस्त्री के कपड़े पहनना मकरूह है क्यों कि अगर मैंने बड़ी अच्छी इस्त्री की है और नए कपड़े पहने इस्त्री वाले और मुझे कोई पसीने वाला मजदूर बदबू आने वाला गले मिलाएगा मैं हकारत से शायद अवध हटाऊंगा मिलूंगा भी हकारत से ये बदबू आ रही है जिस इंस मुसलमान के अंदर किसी मुसलमान की हकारत आ गई वो अल्लाह के नजदीक जलील समझा जाता हकारत आना किसी एक बुजुर्ग थे कौन थे मौलाना जिनके सामने से ईसाई गुजरा था उंदलुस कौन थे उनके सामने ईसाई गुजरा नमाज पढ़ा रहे थे सही रिवायत है गालिबन हजरत जुनेद बगदादी के जमाने के ईसाई गुजरा दिल में हकारत आई मेरे साथ ईसाई गुजरा अल्लाह ने 6 लाख हदीसें बुलाई कुरान सारा बुलाया एक आयत याद रहेगी एक यहूदी लड़की पे नजर पड़ी उससे इश्क हो गया
एक साल उससे कहा शादी करनी है मेरे खिंजीर चराओ खिंजीर एक साल खिंजीर चलाए अल्लाह वाले थे लोगों ने दुआ की उनके लिए ये भी रोए अल्लाह ने हिदायत दी बाद में जुनैद बगदादी से बैत हुए किसी मुसलमान की हकारत दिल में आना मेरे प्यारो ये अच्छी अलामत है फरमाया ए उमर अपने कपड़ों पे पैवन लगाते रहना मैं आपको एक बात बताऊं ये जो सोबत है ना ये गाड़ी और ये कपड़े ये जो हमारे जिस्म से चल आप बोला दो किस्म के ऊंट होते हैं एक होता है पहाड़ी एक होता है रेगिस्तानी पहाड़ी ऊंट में एरोगेंस कम होती है तकबर उसको अपने से बड़ी चीज नजर आती है रेगिस्तानी ऊंट समझता है मैं ही सबसे बड़ा हूं इसमें तकबर ज्यादा होता है नबियों से बकरियां क्यों चरवाई ताकि इनमें मस्कनत और तवाजु आए तो भाई कपड़ों से असर होता है हजरत उमर चाबियां लेने गए तो उन्होंने नहीं देखा कुछ उन्होंने देखा हजरत उमर के हाथ उठते हैं और यहाँ पैवन लगे देखे बगैर लड़ाई झगड़े के चाबियां दे दी हम तुम्हारी जमात से लड़ नहीं सकते हजरत उमर जब जा रहे थे एक साहबी ने कहा उमर सवारी बदल ले और कपड़े बदल ले एक रवायत में आपने बदले आपने लेकिन जैसे ही कपड़े बदले देखो मेरे प्यारो जिसने एंटीबायोटिक खाई हो ना एंटीबायोटिक उसको हलवा करवा और दवाई मीठी लगती है ना जबान कड़वी है ना नहीं अम्मी बिरयानी कड़वी हलवा कड़वा गुलाब जामुन कड़वा एंटीबायोटिक है आज हमारे दिल में इतनी जुल्मत है वो नूरानियत खत्म हुई हुई है हमें सुन्नत कड़वी और फैशन मीठा लग रहा है सुन्नत कड़वी लग रही है ताजुद पढ़ना कड़वा और इंटरनेट फेसबुक पे बैठना मीठा मैं एक जगह जा रहा सिंध में लोग रो रहे थे मैंने देखा 25-30 आदमी रो रहे हैं ये क्या हो रहा है देखा एक फिल्म चल रही है उसमें इंडियन हीरोइन मर रही है सारे लोग रो रहे थे इंडियन फिल्म की हीरोइन से या मक्के में असली जनाजे पे एक आंसू नहीं गिरता फिल्मों को देख के आदमी जज्बात बन जाते हैं असली जनाजा हमारा जज्बात नहीं बना कपड़े सुख ये कपड़े की इस कपड़े को सादा करें आज जो सारी कमाई मैं डिफेंस में घर में गया उसमें घर सही थे मैंने ये बनाया ये लकड़ी 2 करोड़ की लगाई ये बाथरूम 50 लाख का आज मैं आपको वार्डरोब दिखाऊं वार्डरोब घुसा यहां से वहां तक वार्डरोब कपड़े कपड़े जूते जूते मैं एक मिनट चौथा कलमा पढ़ लूंगा क्यों मैं ऐसा लग रहा है जैसे बाजार आ गया बाजार अलमारी कपड़े कपड़े घर में घुसे 11 गाड़ियां खड़ी मैं खैरियत 11 लैंड क्रूजर रेंज रोवर ये बच्चे की बीवी की इसकी एक छोटी गाड़ी खड़ी थी मैं बाथरूम की गाड़ी इसमें बाथरूम जाते गाड़ियों का शोरूम आ गया बदतरीन माल है नफ्स की दूसरी खुराक कपड़ा तीसरी मकान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदतरीन माल है जो किसी भी तामीर पे खर्च हो कच्चे मकान से ईमान पक्के होते हैं पक्की तामीर से ईमान कच्चे होते हैं हजरत मोहम्मद सल्लम की मस्जिद पक्की नहीं थी और आप सजदा करते थे कीचड़ में और दरख्त की बुजुर्ग की टहनियों की मस्जिद थी आप नबी हिजरी तक लाइट भी नहीं थी हजरत तमीम दाहिदा लाइट लेके आप इतना खुश हुए कि तमीम अगर मेरी बेटी होती आज तेरे निगाह में डाल इतना खुश थे कच्ची तामीर हम डिफेंस वहां रहते थे कैवेली ग्राउंड लाहौर में पटरी पार गरीब बस्ती बिल्कुल झोपड़ियों वाली और इधर कैवेली ग्राउंड में सेठ और अमीर और करोड़पति इधर कैवेली अस्पताल सामने जब मैं पहली दफा अस्पताल गया अपनी बेटी मरुआ को लेके तो मैंने डॉक्टरों से एक सवाल किया थोड़ा तबलीग के काम में आ गया था मैं कहा डॉक्टर साहब एक बात बताना कि ये पटरी पार ये सेठ है या गरीब लोग हैं ये जो गरीब लोग हैं पटरी पार जो नाले से पानी से खेलते हैं मिनरल वाटर नहीं वो पी भी लेते हैं और गंदे मक्खर मच्छर और मक्खियों में और खाना मक्खियों वाला ये अस्पताल आते हैं क्या सही थे 12 साल से मैं कैवरी अस्पताल में हूँ पटरी पार कोई गरीब हमारे अस्पताल में सारे सेठ आते हैं अस्पताल में जितनी आराम पसंद देखो मेरे प्यारो लकद खलकनल इंसाना फी कबद हमने इंसान को फितरत मुशक्कत पर पैदा किया है हवाई जहाज को बायरोड ले जाऊं कराची 2 लाख घोड़े जोड़ के जाएगा किश्ती को पानी से निकालू ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा पानी के ऊपर जाएगी ये जिस्म जब मुशक्कत से हटेगा ये फिर अपने नफ्स के दिन पे आता है अल्लाह रसूल के दिन पे नहीं चल सकता आज हमारी सारी मेहनत हो रही है नफ्स को आराम मिल जाए फेज 8 में जाऊं फेज 9 में जाऊं बैरिया में एक ही दफा मकान ले लूं गाड़ी और आरामदेह हो जाए नया मॉडल है रेंज रोवर का पराडो का लैंड क्रूजर का आराम ये आराम मेरे प्यारों मैं आपको स्पोर्ट्समैन बता रहा हूं मैं 20 साल स्पोर्ट्स के लिए मैंने स्पोर्ट्समैन को बीमार होते बहुत कम देखा है और स्पोर्ट्समैन मैंने सैकड़ों देखे जो 103 बुखार में भी सेंचुरी करते हैं बुखार उनको कुछ नहीं इतने तगड़े होते हैं जिस जिस्म को आराम की आदत पड़ जाती मेरे प्यारों ये रूहानी जिस्मानी तौर पर बीमारी रहता है मैंने मेरे बच्चे हैं ये बुजुर्गों के लिए नहीं बता रहा मैंने अपने बच्चे 11 साल का एक है 12 एक 15 का मैंने अभी तक उनको एसी की आदत नहीं डाली है
मेरे घर का बिल आम बिलों से 1.5-2 लाख कम आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं एसी घर में नहीं चलाता बहुत हाजत पड़े तो 45 डिग्री तो एसी चलता है अल्लाह का फजल है हम लोग क्रिकेट 50 डिग्री में खेलते मैंने 52 डिग्री में 200 किया मैं स्पोर्ट्स का सबसे कमजोर आदमी था सबसे कमजोर स्पोर्ट्समैन 50 डिग्री में 200 48 डिग्री में हम क्रिकेट खेलते यहां जरा से एसी जाए हाजी का दिमाग खराब हो गया लाइट गई हाजी गया मिनरल वाटर गया हाजी गया इतना नाजुक लकद खलकनल इंसान फी कबर अंदर जो ना अंदर रूह है और बाहर जिस्म है कोई मैं चैलेंज करता हूं आप स्पोर्ट्समैन यंगस्टर बैठे कोई आदमी जिम में चीखे ना मारे उसका अंदर कभी नहीं बन सकता जब तक जाहिरी चीखों से निकलेगा अंदर नहीं बन सकता आज हमारे यहां भी 2-3 हाजी दुफर गए जी अराफात में फंस गए हम तुम्हारी ऐसी की तैसी और मैं कहता हूं ये तो उलमा 3 हज बताते हैं इनका जरा इल्म इला वो है किताब मेरा इल्हामी इल्म है 4 किस्म के हज होते हैं सुन ले मौली अब्दुल सत्तार साहब हज इफरात हज तमत्तु अल्लाह के नबी ने इफरात के एहराम मांगा अल्लाह ने किरान से बदला और फरमाया अगर आइंदा करूंगा तमत्तु हज इफरात हज तमत्तु हज किरान मेरा जो है ना वो हज चिरांद है हाजी चिरांद का एहराम मानता है ऐसी की तैसी खाने में चिरांद करूंगा बस पे चिरांद करूंगा अराफात में चिरांद करो अजय चिरांद मेरे प्यार बहुत खराब ये है ही नहीं हज तो हज ये कुरान तक तो हमने सुना है लेकिन हमारे यहां भी कई हज चिरांद वाले आए थे मेरे प्यारों इस हज पे वो होता है जो अल्लाह चाहते हैं हाजी किसका मेहमान होता है अल्लाह का तो भाई अपने घर को सादा करें मैं आपको बता रहा हूं खाने पे हमारे एक बुजुर्ग इंडिया के वो क्या कहते हैं मैं आपको एक मिसाल से वो कहते हैं जब से ये लच्छेदार खाने फास्ट फूड शुरू है ना पिज्जा मैकडॉनल्ड केंटकी फास्ट फूड हमारे वासी मंजूर अहमदा फरमाते थे इसका मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आदमी मजमे में बैठ के लटके हुए खाने खाता है वेटर्स के सामने इसका दिल कभी नूरानी नहीं होगा इसको कभी आखिरत के लिए रोना नहीं आएगा और मैं 20 साल रेस्टोरेंट बाजी कर चुका हूं मैं नहीं जाता अल्लाह के फजल से ना मैं ईशा के बाद शादियों में जाता हूं ना ईशा के बाद पार्टियों में जाता हूं ना मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं अगर गया हूं 15 साल कराची में सिर्फ जहां कतर एमी का डर हो तो किसी फंक्शन में वरना मैं नहीं जाता मेरे प्यारो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथी आए जब सुन एक साल से मेरा पेट खराब है आपने दम किया वो ठीक हो गया फरमाया अर्सला क्या हुआ था कहा जो तूने खाना खाया था किसी गरीब की हिर्स उस पर लगी थी उसने तेरा पेट खराब किया था रेस्टोरेंट में बैठ के खाने से गरीब देखते हैं आपके खाने को उनकी हिर्स की वजह से आज हमारे सारे अस्पताल मैं भी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिला उसने कहा सही भाई जितनी बीमारियां मुसलमानों में पेट किया दुनिया में कहीं नहीं क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में खाना मुसलमान खाते हैं सारा इंडोनेशिया मलेशिया पाकिस्तान ये यहाँ का लोग सब रेस्टोरेंट बाजी कर रहे हैं खाना कपड़ा मकान सवारी ये मेरे प्यारों नफ्स की जजा है अगर हम इनको ईमानियात पे सादगी पे लें आहिस्ता आहिस्ता ये मैं नहीं कह रहा दीन की हर बात हमें समझ आएगी इंशाल्लाह ताला इतनी लंबी बातें नहीं करनी पड़ेंगी एक सहाबी ने कुछ आदमी लिए अल्लाह के नबी ने कहा इनको दीन जाके सिखाओ आप एक हफ्ते के लिए लेके गए अपने साथ ही उनको बिठाया खाना सादा घर सादा लिबास सादा सब कुछ सादा आपको पता नबी सलम की पसंदीदा सवारी कौन सी थी कौन बताएगा भाई टट्टू हमारी कौन सी है आरूडी टट्टू हजरत ईसा इस्लाम ने पूरी जिंदगी किस पे गुजारी गधे पे खच्चर पे क्या आप बुर्राक नहीं मंगा सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बुर्राक भेजो मेरा जा रहा हूं बयान है मेरा बुर्राक भेजो एसी वाला ताकि एसी में बैठूं और जाके मजमे को डराऊं हमारे एक साथी ने बयान तो हम बहुत करते हैं एक साथी ने हमारे बयान किया ऑस्ट्रेलिया में 1 घंटे उस पर ट्रांसलेशन जालिम अलग 2 घंटे का बयान हम तो ठुस मजमा रो रहा था कि सहाबा की भूख नबी की भूख पत्थर जब बयान खत्म हुआ हमारे बुजुर्ग ने 8 रोटियां और 1.5 पिज्जा खाई है सबको डरा के भूख से खुद खाना खाइए इसलिए मेरे प्यारों अपनी जिंदगी को सादा करें खाने को सवारी को एक आईजी से मिलने गया तो उन्होंने कहा सईद भाई बताओ चोरियों की क्या वजह है मैं कहा हजरत ये खुद चोरों को दावत दे रहे हैं आओ नई लैंड क्रूजर लिए लूटो हमें अगवा करो बच्चा हमारा कभी आपने देखा है गधा गाड़ी के बच्चे को अगवा कर लिया 3 करोड़ मांग रहे सुना कभी भाई कभी देखा पराठे वालों को डिफेंस के मोड़ पे शीशे खिड़कियां घूर के सोते हुए देखा था अभी सो के दिखा दो माइक वाला और रक्षे वाले टांग पे टांग रख के डिफेंस में सो रहे फॉक्सी वाले को देखा कभी किसी गाड़ी से डरते फॉक्सी वाले से डरते कि हमें मार ना ले और लैंड क्रूजर वाले बेचारे डरते हमें मार ना दे
हम अपने आप को खुद मेशर तकलीफ में रख रहे हैं चंद दिनों की मुशक्कत है अल्लाह कह रहे हैं मेरी मर्जी के दिन 60-70 साल हैं और तेरी मर्जी के दिन वल्लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम जो तेरी मर्जी होगी अल्लाह कयामत के दिन पूरी करेगा तो भाई यादा करते हैं इंशाल्लाह जिंदगी सादा करेंगे कौन कौन कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला और आखिरी गुजारिश है चाहते हैं ना अपने माहौल में जुड़िएगा मस्जिद को वक्त दीजिएगा मैं आपको एक अलामत आखिरी बता के जा रहा हूँ अल्लाह ने शिर्क की दो अलामतें बताई हैं और ये मैंने बहुत देखी है मुशरिक से एक कभी हराम नहीं छूटता जो मुश्किल के अंदर शिर्क है उसकी अलामत बता रहा हूँ मैं गैर मुस्लिम बहुत दोस्त हैं वो जितना मर्जी शराब से तौबा करें हालात आएंगे शराब फिर पीना शुरू कर फिर जुआ फिर बदकारी आज देख लो मुसलमान से हराम नहीं छूट रहा औरत देखना हराम है ना महरम औरत ना महरम कुरान ने कहा ईमान वाले मर्दो नजरे नीची रखा करो ईमान वाली औरतो तुम भी नजरे नीची करो बातिल ने जो जाल बिछाया लेटेस्ट जाल पता है क्या लेटेस्ट जाल बताऊं कि सारी दुकानें और ये बंद करो मुसलमानों में शॉपिंग सेंटर्स का वजूद हो ताकि इनकी औरतें मर्द आपस में कसरत से इख्तलात करें मैं घर में गया हमारे वो क्रिकेटर दोस्त हैं सारे क्रिकेटर्स जमा कर लिए तो हमारे वो मैनेजर भी रहे उनके घर में पहुंचा मुझे देख के पगड़ी दाढ़ी में सारी लड़कियां भाग गई तो वो जो हमारे थे ना लाहौर के जो हमारे मैनेजर उन्होंने छेड़ दे मुझे तंजिया का कि सही दरवर कि हम इन लड़कियों के साथ आराम से बैठे थे सब टीवियां बैठे हंसी मजाक खेल तमाशा हो रहा था तो मौलियों में देख के लड़कियां डरती क्यों है मैं कहा हजरत ये औरतें मर्द देखेंगी तो डरेंगे पहले तुम लोग मर्द तो बनो वरना ये क्या डरेंगी खेलती रहेंगी तुम्हारे साथ इसलिए मेरे प्यारे ये नजर फरमाया किताबों में सबसे ज्यादा मौत पे कलमा बदनजरी वालों का छोड़ता है मुझे तबली वालों में बड़ी चलाकी से एंटी भूत तबली वाले पहले बेहोश करते हैं फिर ऑपरेशन शुरू करते हैं ये मौलवी डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं मजमा भाग जाते वो पहले हल्का सा बेहोश करके फिर इनके हवाले चलो ऑपरेशन कर तबली वालों ने बेहोश किया फिर इन जैसे मौलियों के हाथ सफर कर दिए बेहोश किया 40-50 दिन मैं आपको बताऊं मैंने लड़की की आवाज भी नहीं सुनी मैं 7 महीने लगाने गया ये क्यों निकालते हैं यहां से ठीक है गोबर में जो बैठा ना उसको गोबर की बूनी आती उसको बाहर निकालते हैं बहुत बदबू बैठा वापस आकर 7 महीने मैंने अमीर से कहा कि मैं 5 मिनट इंग्लैंड में हूँ 5 महीने मेरी एक गुजारिश है यहाँ गश्त होता नहीं मेरी एक रिक्वेस्ट है मैं 24 घंटे बयान करूंगा मर जाऊंगा कभी ना मुझे 5 महीने मस्जिद से बाहर निकल लेना देना मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह को देखना 5 महीने मस्जिद में रहा ना मैंने किसी लड़की से बात की क्योंकि आज की लड़कियां जो है ना वो बातें भी ऐसी करती हैं कि हमारे तो मुझे शादी को तकरीबन 20 साल हो गए तो मैंने पहले साल में लड़की की पतली आवाज सुनी बीवी की वो प्यार से पूछती कौन फोन कर रहा है हेलो आज बीवी को फोन करोगे हेलो क्यों फोन किया क्या बात अरे क्यों फोन किया बिजी हूँ क्यों कॉफी पहले पूछती कॉफी बनाऊ आज कॉफी मिली है हाँ किचन में रखी ये रोस्टर्स मेरे पास आई है सही साहब खैरियत से कैसे हो जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप ठीक है हाँ जी ठीक कॉफी पीने में आप पिलाएंगे पीने में बीवी साल इतनी तमीज से मुझसे भी बात कर लिया करें मैं कहा आप भी इतनी तमीज से पूछा करें तो मैं आगे से जवाब दूं तो उसकी तमीज से ये लड़कियों का इख्तलात जो है ना ये सबसे ये पूरा जाल बिछा यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल लड़के लड़कियों कसरत से एक दूसरे को देखें हिरसी खत्म हो जाए कि मैं लड़की के साथ बैठा हूँ सोबत का असर होता है इसलिए मेरे प्यारों वापस जाए 3 काम गुजारिश है कुरान ने कहा एक मुशरिक की अलामत इससे हराम नहीं छूटेगा नंबर दो ये कभी भी मस्जिदों को आबाद नहीं करेगा मा कान लिल मुश्रिकीन अय्यामुल मसाजिद अल्लाह मुश्रिक को कभी मस्जिद आबाद करते नहीं देखोगे ईमान वाले कौन है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्यौमिल आखिर ईमान वाले ही सिर्फ मस्जिदों को आबाद रखेंगे वकाम सला अलग चीज है और नमाज भी कायम करेंगे वात जका जकात भी कायम करेंगे वलम यख्शा इल्लल्लाह ये 3 काम कर ले रोजाना मस्जिद को थोड़ा वक्त दें ताकि ये 24 घंटे आबाद हो जाए अस्पताल हमारे आबाद पागल खाने जेल खाने कोर्ट कचहरी गोल्ड मार्ट और फला सेंटर आबाद मस्जिद आबाद होंगी ये सब खाली हो जाएंगे 3 काम कर लें मस्जिद को आबाद करें नमाज किसी को भी नमाजी नहीं छोड़ना इंशाल्लाह ताला और सबको जकात वाला मनाएं अल्लाह वादा कर रहे हैं अल्लाह के अलावा सारे खौफ तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा तो कौन कौन नियत कर रहा करेगा इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर मौलाना दुआ कर दो सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाहु बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت
فإن قتلتي ولا يقضى إليك إنه لا يذل من وليد ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك نستغفر طولك يا الله هم سب کو حج مبرور نصیب فرما يا الله هم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں شرکت عطا فرما ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما خیر کی اور سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم